नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूँ छू आप सबनों गुजरात गवर्नमेंट जॉबना यूट्यूब प्लेटफॉर्मनी अंदर। दोस्तों आज संडे संडे ना रोज खूब महत्वना समाचार एवं तलाटी भर्ती रिलेटेड बात करीशू। तो जो तमे तलाटी की तैयारी करो छो, आगामी समय में आवनार परीक्षा की पुरजोश में तैयारी कर रहा छो, तो दोस्तों तमारे आ वात खास ध्यान में राखवानी छे जे आजनी वीडियो में आपणे डिस्कस करीशू। वीडियो में आग बात करीशू एना पहला तमाम थी फरी एक बार रिक्वेस्ट करूँ छू, टेलिग्राम में जॉइन थानू बाकी हो तो आज जॉइन कर लो, साथ साथ दोस्तों अपनी आ यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करवा बाकी हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपेलू है दबा सब्सक्राइब कर लेजो जेथी करी आभी महत्वनी न्यूज तमने दररोज मळती रहे। दोस्तों तलाटी भर्ती रिलेटेड गई काले न्यूज पेपर अंदर एक महत्वना न्यूज आया था, एना विषे डिस्कस कर लीए। तो जे पण उम्मीदवारो तलाटीनी तैयारी करे छे खास ध्यान राखे कि जिल्लानी अंदर 419 तलाटीनी जरूर छे, एटले के महकम छे, जेनी सामे हालमां 110 तलाटीओनी जग्याओ भराई नथी, जेथी करीने जे अन्य तलाटी छे तेना उपर भारण वधी रह्युं छे, सरकार ध्यान आपी रही नथी, एक तलाटी पासे चार चार गामनी जवाबदारी छे। तो सूरत जिल्लानी ग्राम्य पंचायतोमां वहीवट माटे महत्वनी भूमिका जेनी रहेली छे ते तलाटी कम मंत्रीओनी घटना कारणे विकासना कामोने सीधी असर पड़ी होवानी फरियाद उठी छे। मंजूर महकम सामे 110 तलाटी कम मंत्रीओनी जग्याए खाली पड़ी होवाथी तलाटी पर वर्कलोड वधी गयो छे। सूरत जिल्ला पंचायत अने ग्राम्य पंचायतोमां छेल्ला घणा समयथी मोटा भागना विभागोमां कारकुन, ड्राइवर, जुनियर आसिस्टंट तेमज टेक्निकल आसिस्टंट, अधिक मददनीश, इंजीनियर सहितनी अनेक जग्याओ खाली छे। आ भरती नहीं करवामां आवती वहीवटी कामोने पण असर जोवा मळी रही छे। एटलू ज नहीं, गामोमां विकासना जे महत्वनी जवाबदारीओ छे, जे महत्वना कामो छे ते पण अटकी पड्या छे, तेवा तलाटीकम मंत्रीओनी जग्या पण खाली होवाथी घणा गामोमां विकासना कार्य मंद गतिए पण चाली रह्या छे। तो सूरत जिल्लाना 547 ग्राम पंचायतो आवी छे, जेना माटे कुल 419 तलाटी कम मंत्रीनुं महेकम मंजूर थयेलू छे। वर्षो पहेला नक्की थयेला आ महेकममां सरकारे कोई वधारो नथी कर्यो, पण भरती नथी थई होवाना कारणे 110 तलाटी कम मंत्रीओनी खोट वर्ताई छे, एटले के 309 तलाटीओनुं महेकम भरायेलू छे। घटना कारणे हालमां एक तलाटी 3-4 ગામોનો ચાર્જ સોંપવામાં આવી રહ્યો છે, જેનું કારણ છે કે એક તલાટી એક ગામમાં અઠવાડિયામાં 1 કે 2 દિવસ જ આવી શકે છે, તો તલાટી નહીં હોવાના કારણે ગ્રામવાસીઓને અનેક વિકાસના કામોમાં અસર પણ પડી રહી છે।